फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी। इसके लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई मसाला बनाना होगा, जिसमें मैंने लिया है 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच खड़ी धनिया, साथ में 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 खड़ी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे और 1 इलायची भी मैंने इसमें डाल दी, 2-3 इलायची, आप खड़ी इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम मैंने इसको रोस्ट करने के बाद इसको पीस लिया मैंने सब मसाले को, और मैंने कढ़ाई मसाला इससे तैयार कर लिया। अब कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करिए, फिर अब इसमें डालिए प्याज अपने जो मैंने चॉप कर रखे थे, उसको गोल्डन ब्राउन तक पकाइए। पक जाए प्याज, थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने लगे और साइड से तेल छोड़ने लगे, तब तक हम इसको पकाना है। फिर हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर उसके बाद जब साइड में तेल छोड़ने लगेगा तो मतलब ये हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, साथ में थोड़ा सा हल्दी 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 2 से 3 चम्मच, क्योंकि ये तेज नहीं होता है, बस ये कलर लाने के काम आता है, और साथ में कढ़ाई मसाला जो हमने बनाया है वो 4 बड़े चम्मच ऐड करके हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें देखेंगे गाढ़ापन आ रहा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी मत डालिएगा, गर्म पानी यूज़ करिएगा। बस आप इसको ऐड करें, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए होगी उतना ही गर्म पानी ऐड करते रहिएगा। फिर जब ये अच्छे से पक जाए और तेल छोड़ने लगे तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि ग्रेवी मेरी अच्छे से बने। अब एक पैन लिया मैंने, एक पैन में थोड़ा सा मैंने बटर ऐड किया है और मैंने अपनी वेजिटेबल्स को थोड़ा टॉस करूँगी। उससे पहले मैंने पनीर को ले लिया है, पनीर को मैंने साइड में रख, पहले ही मैं इसको मैरिनेट करने का रख रही हूँ। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा अपना कढ़ाई मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट से अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको साइड में रख दिया 5 मिनट के लिए। तब तक मैं अपनी सब्जी को टॉस कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ा बटर लिया और अपनी वेजिटेबल्स डाल दी है। वेजिटेबल मैंने लिया था प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। अच्छे से मैंने इसको टॉस करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल उसी पैन में से पैन में मैंने पनीर डाल दिया। पनीर को मैंने अच्छे से टॉस कर लिया, हमें फ्राई नहीं करना है, हमें थोड़ा सा टॉस करना है ताकि वो कच्चापन हट जाए और थोड़ा सा उसके पास स्पॉट्स आ जाए ताकि वो हाथ सीख चुका है। क्योंकि सब्जी में डालने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे और कस्तूरी मेथी डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर से, साथ में धनिया। बस आपकी कढ़ाई पनीर रेडी हो गई है। अच्छा, मेरी दादी ने साथ में नान भी बनाए थे तो मैंने उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। तो नान के साथ आप उसको गर्मा गर्म कढ़ाई पनीर सर्व करिए, ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल सकते हैं और प्याज के साथ चावल के साथ आप उसको खाइए। वीडियो अच्छी